एक्सपायरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम, और कुछ ऐसे शेयर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो एक्सपायरी से पहले चल सकते हैं। मदद कर रहे हैं चंदन तापड़े मोतीलाल ओसवाल से। चंदन, नेक्स्ट स्टॉक जो आपने चूज किया वो है अरविंद, बताएं सर अगर ये तेज हुआ एक्सपायरी से पहले तो कहां तक जा सकता है और तेज होगा क्यों, क्या रोल ऑफ फिगर स्ट्रांग है? जी देखिए, अरविंद एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर बना हुआ है। पिछले दो सीरीज में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट आप देखें यहाँ पे 357 का एक मेजर सपोर्ट होता था और वो सपोर्ट अब शिफ्ट होकर 366 पे आ गया, और उन लेवल के आसपास एक सस्टेन पुट राइटिंग हो रही है, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव टू रेंज बाउंड मूव बना रहेगा। कोई भी डिक्लाइन आता है तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 392-93 का लेवल रहेगा जो ऊपर में यहाँ पे बन सकते हैं, और देखें कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, काउंटर में ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम इंटेक्ट है, तो यही वजह है कि यहाँ पे भी हम एक पॉजिटिव बायस के साथ बन के नजर आ रहे हैं। चलिए खरीदे अरविंद को। एक और सलाह मोतीलाल ओसवाल के स्टेबल से आती हुई, M&M फाइनेंशियल लगता है बेस बना लेगा, एक्सपायरी से पहले चलने को तैयार है क्या? जी रजत, इस काउंटर को हम इमीडिएट बेसिस पे नहीं देख रहे, बट मेरा मानना है कि इस काउंटर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे शॉर्ट्स करते हुए नजर आते हैं, 7-8% के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। पिछले तीन सीरीज के कंसोलिडेशन के बाद में इस काउंटर में थोड़ा सा एक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बन रही है, सपोर्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन होल्ड हो रही है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो ये एक काउंटर रहेगा जो हम नेक्स्ट सीरीज में रडार पर रहेंगे। 285 इसका एक मेजर सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में हमारे कयास है कि 310-315 तक की लेवल भी इस काउंटर में बने। हमारे ग्रुप समूह की कंपनी है डिश टीवी, आपको लगता है कि एक्सपायरी से पहले ये स्टॉक एक्टिव होगा, अगर हुआ तो कहां तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? जी हाँ रजत, डिश टीवी में पिछले दो दिनों से यहाँ पे हम पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव व्यू है हमारा, बुल कॉल स्प्रेड काइंड ऑफ स्ट्रेटजी हम ऑलरेडी यहाँ पे सजेस्ट कर चुके हैं, और इसका जो मोमेंट हुआ है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लगभग 10 से 12 वीक के कंसोलिडेशन के बाद ये काउंटर अपने आप को 90 के ऊपर होल्ड कर पाया है, और उसकी वजह से ये मूवमेंट एक्सटेंड होकर 97-98 तक देखने को मिलेगा, और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और मोमेंटम बन रहा है, वॉल्यूम्स यहाँ पे बन रहे हैं, लॉन्ग की पोजिशन भी यहाँ पे इंटेक्ट है, रोल ओवर भी यहाँ पे लगभग 75% से ज्यादा के बनते हुए नजर आएंगे, लग रहा है कि यहाँ पे भी आप बरकरार रह सकता है, तो 86-87 का मल्टीपल सपोर्ट रहेगा, 97-98 तक के यहाँ पे ऊपर में अपसाइड बनते हुए नजर आ सकते हैं। राइट, और विंडो फार्मा ल्यूपिन, लग रहा है कि ये जो कवरिंग बनी है इन फार्मा शेयर्स पे, एक तो ये बताएं क्या रोल ओवर फिगर स्ट्रांग है अगले सीरीज के लिए, क्या बेट लगाई जा सकती है नेक्स्ट सीरीज के हिसाब से भी, और एक्सपायरी से पहले अगर ओरो या फिर ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स खरीदे तो टारगेट क्या रहेंगे? जी देखिए रजत, ओरो फार्मा में लगभग 35-37% के रोल ओवर हुए हैं, बट यहाँ पे मेनली मेरा ऐसा मानना है कि जो इमीडिएट 4-5 महीने का नेगेटिव ट्रेंड है वो एक पोज लेता हुआ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से इसने एक मल्टीपल सपोर्ट लगभग 655 के आसपास बनाया है, लग रहा है कि वो बॉटम में वो होल्ड करना चाहिए, स्लो एंड स्टडी काउंटर में मूवमेंट आना चाहिए जो वापस इसको 700-715 तक लेके जा सकते हैं। तो ओरो फार्मा एक ऐसा काउंटर रहेगा जहाँ पे डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से हम एक रिवर्सल इंडिकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरा, आप लूपिन की बात करें, यहाँ पे क्लियरली एक प्राइस बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है, लगभग 1.5 से 2 साल से यदि प्राइस बिहेवियर देखें, जब भी 1420 आता है बाइंग इंटरेस्ट बन जाती है, ऊपर में 1550 तक जाता है, तो ये एक तथ्य है कि बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाई, 1400 का लेवल है अभी भी ये होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रीवियस प्राइस बिहेवियर है वो इंटेक्ट रहेगा, ऊपर में 1550 तक के पोजिशनल लेवल भी इस काउंटर में बन रहे हैं। राइट, एक स्टॉक है अमराजा बैटरी सर, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से निचलेसों से पुल बैक दे रहा है, सस्टेन लगता है एक्सपायरी से पहले चल सकता है क्या ये शेयर? जी रजत, देखें 3-4 स्टॉक हमने जो डिस्कस किया है, ओरो फार्मा, लुपिन, अमर राजा, टोरन फार्मा, इन सब काउंटर में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बने हैं, और इसी वजह से हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव या फिर एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अमर राजा बैटरी भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, इस स्टॉक ने 835 के आसपास के बॉटम बनाए हैं, 2-3 दिनों से यहाँ पे लेवल होल्ड कर रहे हैं, तो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम यहाँ पे एक पिक कर रहे हैं, ऊपर में यहाँ पे 925-930 तक के लेवल बनने चाहिए, और यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट वाइज भी यहाँ पे एक बाय रिकमेंडेशन हमारी टीम की तरफ से बनी। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्सपायरी की जो पिक्स है मोतीलाल ओसवाल की वो आपकी स्क्रीन पे है, टाइटन, यूनियन बैंक, इंडिया सीमेंट्स, अरविंद जैसे स्टॉक्स पे बेट लगाई जा सकती है, पॉजिटिव मूव एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा M&M फाइनेंशियल, डिश टीवी, अरविंदो फार्मा, ल्यूपिन, अमराजा बैटरीज, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आप फोकस रखें, और अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में इन सभी स्टॉक्स से कमाई होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। देखिए हम रोज बरोज आइडेंटिफाई करते हैं कोई ऐसा शेयर जो आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड जनरेट कर सकता है, पैसा बना सकता है।
कमिंस बताया गया था आपको शुक्रवार के सत्र में, और 1:30 बजे जो हमारा कॉलर शो है एफएनओ कॉलर शो, उसमें कॉल दी गई थी। स्ट्रांग मूव आज के सत्र में कमिंस में मिला और ये अब 912 के लेवल पे है। आज के दिन जो हमने टारगेट जो प्रेडिक्ट किया था 925 तक पहुंच जाएगा, वो हुआ भी, और इनफैक्ट 890 पर ये शेयर बताया गया था, माफ कीजिए, यहाँ पर 915 के स्तर के लिए खरीदारी करने की सलाह थी। आज का हाई 917-918 के जोन्स पे है। स्ट्रांग मोमेंटम, निचले स्तरों से खरीदारी और एक रिवर्सल इस स्टॉक पर जनरेट हुआ। 1:30 बजे रोज बरोज एक ऐसा ही शेयर आपके लिए लेकर आते हैं, और आप एफएनओ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप वो पूछ सकते हैं बाजार के एक्सपर्ट से 1:30 बजे कॉलर शो।